हमारा सबका डेलीगेशन और हमारे साथ अहमद पटेल साहब थे। चुनाव आयोग गया, चार पांच मुद्दों पे हमने व्यापक रूप से विचार विमर्श किया, काफ़ी समय तक सुना उन्होंने। मैं सिर्फ दो मुद्दे आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक तो है कि बालाकोट के विषय में किस प्रकार से प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष, अन्य मंत्री बेशर्मी से बिना किसी हिचक के पहली बार भारत के 70-73 साल के इतिहास में इस प्रकार से हमारे सेना के सभी अंगों को सस्ती राजनीति में खींच रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमने लिखित उदाहरण दिए, इस देश में 65 का भी चुनाव हुआ, 71 का भी चुनाव हुआ, स्वयं वाजपेयी जी बीजेपी के कारगिल के वक्त थे, लेकिन इस सस्ती तरीके से राजनीति के दायरे में खींचना, एक खुले रूप से वोट मांगना, उनको राजनीतिक क्रॉस फायर में लाना, ये सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के किसी ने नहीं किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हमने तुरंत इस पे रोक मांगी है चुनाव आयोग से, हमने उनके अधिकार क्षेत्र और पावर्स का उनको याद दिलाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है, उनके अन्य गाइडलाइंस में है। और मैं एक विशेष चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने उनसे निवेदन किया कि आप जहाँ गलती होती है वहाँ चेतावनी देते हैं, वहाँ पर वक्तव्य देते हैं, सेंसर करते हैं, लेकिन इस सब को सुनकर जो थिक स्किन्ड होते हैं, जिनको हिंदी में ढीठ कहा जाता है, वो अपनी गलतियाँ दोहराते रहते हैं। अब यह अति आवश्यक है, अब समय आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री हो, सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष हो या कहीं का हो, अगर वो एक बार ऐसे वक्तव्य देगा जो प्रतिबंधित है मॉडल कोड के दौरान, तो उन पे कैंपेन का एक दिन गंवा दिया जाएगा, यानी एक दिन कैंपेन का प्रतिबंधित होगा उनको कैंपेन करने का। अगर वो अपनी गलती दोहराएंगे तो दो दिन उनके वंचित होने चाहिए, और इसी प्रकार से तीन और चार, क्योंकि नहीं तो लोग ऐसे भद्दी चीज़ें कहने के बाद उसी का फायदा उठाकर चुनाव आयोग की चेतावनियाँ और सेंसर को लेकर अगली बार उसी को दोहरा देते हैं। ये हमने मांग की है और हम बार बार इसकी मांग करने वाले हैं। दूसरा मुद्दा मित्रों, बहुत संक्षेप में, वेब सीरीज हमारे ही रिप्रेजेंटेशन पे, हमारे ही याचिकाओं पे, हमारे अनुसार नमो मूवी बायोपिक की प्रतिबंध लगाया है चुनाव आयोग ने। वो आदेश व्यापक है, उसमें कहा है सोशल मीडिया, इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम्स, फिल्म इत्यादि इत्यादि, वो शब्द लिखे हैं चुनाव आयोग के आदेश में। साथ साथ लिखा है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस प्रकार के राजनीतिक कंटेंट, राजनीतिक चीज़ों से भरा हुआ कोई भी प्रोग्राम नहीं चल सकता। उसके बावजूद एक तरफ नमो टीवी अलग अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन और विशेष कि एक हीरोज के नाम से एक वेब सीरीज चल रही है। उस वेब सीरीज में सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में हीरो वर्शिप, उनके बारे में प्रशंसनीय चीज़ें प्रकाशित होती हैं। तो हमने कहा है, ये तो सीधा चुनाव आयोग के खुद के परसों के आदेश, जो विस्तृत आदेश है, व्यापक आदेश है, उस आदेश का उल्लंघन है, सीधा उल्लंघन है, और इसलिए उसको प्रतिबंधित तुरंत करना चाहिए, और हमने ये मांग रखी उनके सामने। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, एक मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, ये एक नई फिल्म और सीरीज आजकल इस देश में चल रही है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं, हमारा ये मानना है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस देश में किसी पद पर कार्य कर सकता है। सवाल ये है कि जब आप इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को झूठ बोलकर, गुमराह करके, धोखा देके, लोगों को बेवकूफ समझकर, स्वयं को बहुत बड़ा शिक्षित बताकर आप जनता की आंख में धूल झोंकने का षड्यंत्र करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक मंत्री भी जो कभी ग्रेजुएट थी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी की।
साथियों, आज हमने एक मेमोरेंडम दिया। 23 अप्रैल 2004 के शपथ पत्र में मंत्री जी ने कहा कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से हैं। 11 जुलाई 2011 के शपथ पत्र में मंत्री जी ने वो ग्रेजुएट की डिग्री बदल ली और फिर कहा कि वो बीकॉम पार्ट वन 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से हैं। 16 अप्रैल 2014 को मंत्री जी ने एक बार फिर अपने आप को बदल लिया और बोला कि स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं, मैं बीकॉम वन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हूँ। और अगस्त 2014 को ये कहा कि मैं तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ी हुई हूँ। और अब जो सबसे नया शपथ पत्र है उसमें ये कहा कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लर्निंग से, पर उन्होंने कभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की। एक मंत्री भी जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेती हैं, कभी वो बीए पास की डिग्री ले लेती हैं, कभी वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो जाती हैं, कभी वो कॉरेस्पॉन्डेंस से हो जाती हैं, ये माजरा क्या है? ना इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता और ना स्मृति उनकी चहेती मंत्री स्मृति ईरानी जी की डिग्री का पता, ना उनका कोई सहपाठी मिल रहा ग्रेजुएट में, ना प्रधानमंत्री का कोई सहपाठी मिल रहा। ये मजाक नहीं, ये गंभीर बात है, क्योंकि इस देश की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, बार बार लोगों को, प्रजातंत्र को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है और ऐसी मंत्री को खारिज कर देना चाहिए उसका नॉमिनेशन, क्योंकि जो चार चार शपथ पत्रों में इस देश की जनता को, चुनाव आयोग को, प्रजातंत्र को भ्रमित कर सकती हैं, क्या उनको चुने जाने और रहने का अधिकार है? इसका निर्णय चुनाव आयोग करे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। देखिए आदरणीय मित्र, ये चुनाव आयोग का मामला है। एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी से पास थी, कभी बीए थी, कभी बीकॉम वन कॉरेस्पॉन्डेंस से थी, कभी बीकॉम वन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से थी। मोदी जी, देश की रक्षा बाद में करिएगा, पहले खुद की और अपनी मंत्री की डिग्री तो बता दीजिए देश को क्या है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जितना हमें टारगेट करेंगे हम बैठने के लिए उतना ही काम करेंगे, जितना हमें टारगेट करेंगे उतना हम बैठने के लिए मैं काम करूंगी। अमेठी के लिए किस प्रकार से मोदी जी ने भेदभाव किया है, किस प्रकार से अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने केंद्रीय विद्यालय को वहां से बंद कर दिया, किस प्रकार से अमेठी में जो वहां सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक पूरा सेंटर था उसको उन्होंने खत्म कर दिया, किस प्रकार से आईआईटी के जो सेंटर बनने थे वो खत्म कर दिए, किस प्रकार से अमेठी के साथ दुभात और जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है ताकि वहाँ के नौजवानों और जनता को जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरे ना हो सके, ये पूरा देश जानता है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको कई बार दे चुके हैं, पर ये अमेठी की जनता है, उनकी आत्मा मन के अंदर राहुल गांधी जी और उनका प्यार और स्वभाव समाया है, वो कभी मिटने वाला नहीं इस प्रकार के प्रपंच और ढोंगी व्यक्तियों से। दोस्तों सच्चाई ये है कि मोदी जी और उनके मंत्री बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, छटपटा और लड़खड़ा रहे हैं। चुनाव की दौड़ को वो पूरी करने में अपने आप को असक्षम पा रहे हैं, इसलिए कभी जात का नाम लेकर, कभी धर्म का नाम लेकर, कभी उत्तर और दक्षिण भारत का नाम लेकर, कभी इनके और मेरे रंग के अंदर रंग भेद करके, कभी भाषा का नाम लेकर, कभी कपड़ों का नाम लेकर, कभी भोजन का नाम लेकर मोदी जी और उनके मंत्री समेत मेनका जी के घृणा का वातावरण फैलाकर, बंटवारे का वातावरण फैलाकर, विभाजन का वातावरण फैलाकर इस देश की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। इस देश को जात धर्म क्षेत्रवाद रंग भाषा कपड़े खानपान में बांटना चाहते हैं। पर मोदी जी, मेनका जी,
आप अपने इस प्रपंच और ढोंग में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष की संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आल्सो ऐड वन मोर लाइन। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि ऐसी मंत्री को जो जात धर्म के आधार पर नफरत और बंटवारा फैलाए, ऐसी मंत्री को एक दिन भी कैंडिडेट बने रहने का अधिकार नहीं। उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए धार्मिक भावनाएं भड़काने की, और ऐसी मंत्री के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करप्ट प्रैक्टिसेस में चुनाव आयोग को लेनी चाहिए FIR के अलावा। जी बिल्कुल, मैं श्रीमती मेनका गांधी के बारे में कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं। हमने जयराम रमेश जी ने विशेष तौर से इस बात का संज्ञान दिया चुनाव आयोग को, और हमारे साथी जो हैं KC वेणुगोपाल जी ने, और ये कहा कि ऐसी मंत्री को जो धार्मिक भावनाएं भड़काए, जो जाति और धर्म के आधार पर मेनका गांधी जी इस देश में विभाजन की कोशिश करें, नफरत और बंटवारे की कोशिश करें, मेनका गांधी जी पर न केवल FIR दर्ज होनी चाहिए परंतु उनके कैंडिडेचर को भी रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि एक करप्ट प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भी और देश के कानून के निर्देश में भी। Firstly, I have not seen anything relating to SGPC. I will not like to comment till I have a look at the details of the event. जहाँ तक दूसरी बात है दोस्त, हम पहले भी ये कह चुके, भारतीय जनता पार्टी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इलेक्शन ढकोसला बना चुकी है। वो हर रोज झूठा मुकदमा, कभी कमलनाथ जी और उनके मंत्रियों के खिलाफ, कभी कर्नाटक में हमारी सरकार के खिलाफ, कभी राजस्थान में हमारी सरकार के खिलाफ दर्ज कर अब वो आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप लोग ध्यान मत भटकाइए, आप लोग प्रजातंत्र की शुचिता की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि इनके ढकोसले 15 दिन का ढकोसला है। ये ढकोसले ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, ना झूठ चलती। सच्चाई ये है कि आप उसकी तरफ जाँच क्यों नहीं कर रहे जो 20-25-30 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर मोदी जी और उनकी पार्टी पैसा पानी की तरह बहाकर वो आज चुनाव प्रचार में पूरी तरह चुनाव की मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या ये सीधा सीधा पैसा इस देश की जनता का नहीं? मोदी जी बताइए, ये काला धन है या सफ़ेद? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जैसा आज मेरे आदरणीय माननीय साथी अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बताइए कहाँ कहाँ से पैसा आया, कौन से कॉरपोरेट से पैसा लिया, कैसे कैसे लिया, इसको सार्वजनिक करने से मोदी जी और अमित शाह घबरा क्यों रहे हैं? धन्यवाद। थैंक यू। और चोर को सब चोर नजर आते हैं।